ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाएं कदम, कम खर्चे में किसी भी प्रकार के सोलर इक्विपमेंट लगवाएं। हिमटेक सोलर नियर पीडब्ल्यूडी ऑफिस मंडी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले युवा नेता आशीष शर्मा ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है। दुसड़का में पुलिस लाइन ग्राउंड में रविवार को भारी जनबल जुटाकर अपने समर्थकों सहित उन्होंने अपने दावे को और मजबूत कर दिया है। महासंकल्प सम्मेलन के मंच पर पहुंचते ही आशीष शर्मा लोगों के समक्ष नमस्तक हुए। प्रदेश गौ सेवा आयोग सदस्य आशीष शर्मा करीब 4 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रकाश चंद के अलावा रतन चंद शर्मा और आशीष शर्मा की धर्मपत्नी स्वाति शर्मा ने भी जनसमूह को संबोधित किया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की भरमार है, लेकिन अभी तक दोनों ही दलों के प्रत्याशी तय न होने की वजह से कोई सियासी हलचल नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक दल प्रत्याशी तय करने की उलझन में है, लेकिन महासंकल्प सम्मेलन से युवा नेता ने दोनों ही दलों को चुनौती पेश कर दी है। आशीष शर्मा ने मंच से लोगों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मौका देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श और विकासशील विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए उन्हें एक मौका दिया जाए। संबोधन के दौरान युवा नेता आशीष शर्मा ने कहा कि महासंकल्प सम्मेलन में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र को विकासशील विधानसभा क्षेत्र बनाने का संकल्प लेकर वह राजनीति में आए हैं। कि हमीरपुर में हमने संकल्प लिया है कि हमीरपुर को एक अच्छा हमीरपुर, विकासशील हमीरपुर, और जहां पे नौजवान लड़कों की बात सुनी जाए, उनको रोजगार उपलब्ध हो, यहां पे विकास हो, बिजली पानी सड़क के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये हमने यहां पे संकल्प लिए हैं। और आप सबके बीच में यहां पे आपने देखा है कि भारी मात्रा में यहां पे लोग आए हैं और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। मुझे फ़ोन आते रहे सुबह से जब ये आज 11 बजे का टाइम था, तो सब ने मुझे फ़ोन किया कि हमें फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं जाना है वहाँ पे कार्यक्रम में, लेकिन उस महादेव की कृपा है, लोगों का प्यार है और लोग आते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, लोग किसी से डरते नहीं हैं। वैसे भी 4-5 दिन में अब आचार संहिता लगनी है, तो जो हैं अभी बैठे हुए वो तो वैसे भी जाने वाले हैं, तो लोगों ने आज यहाँ पर ये बता ही दिया है कि अब समय आ गया है उनके जाने का, और अभी नई युवा पीढ़ी को लोग अपना आशीर्वाद देंगे और हम आगे चल के लोगों की सेवा करेंगे, काम करेंगे और हमीरपुर को आगे ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। आशीष भाई कर रहा है, उनका आशीर्वाद है, और जितना इनका भरोसा रहता है उतना मुझे नीचे और झुकना पड़ता है, और भगवान करे कि ऐसे झुकता रहूँ ताकि दिमाग ख़राब ना हो। लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको उसके मुताबिक उनके काम भी करने पड़ते हैं, और मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि जिस हिसाब से लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं, मैं उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनके काम हैं, उनके ऊपर खरा उतर सकूं और महादेव सद्बुद्धि बनाए रखे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।